हेलो स्टूडेंट, एससी एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आपको पहले वीडियो टेंस की जो प्रोवाइड की थी, उसमें मैंने आपको पहली वीडियो में प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को डिटेल में बताया था। सेकंड में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रेजेंट की थर्ड टाइप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to describe action that began in the past and continue into the present or has just been completed. Present perfect tense क्या होता है? इस जो tense में क्या दिखा बताया जाता है कि कोई भी काम जो past में means कि बीते हुए time में शुरू हुआ था, अभी वो चल रहा था present में और अभी अभी complete हुआ है, या तो चल रहा है या अभी अभी complete हुआ है, उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दी हुई हैं, आई हैव प्लेड, ही शी हैज़ प्लेड। इसमें क्या होता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वो हैज़ और हैव यूज़ होती हैं। हैज़ एंड हैव में क्या है कि जो प्लूरल होते हैं या फिर आई और यू, वैसे तो सिंगुलर हैं पर इसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। और ही शी इट और अदर जो सिंगुलर होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं। और जो मेन वर्ब होती है इसमें उसकी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या है, एक रूल है। और इसके आगे मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसकी अदर एग्जांपल दी हुई हैं जो सिंपल सेंटेंस की हैं। उसमें क्या है, जैसे आई हैव ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, शी हैज़ सीन दैट मूवी बिफोर, वी हैव डील्ड विद कस्टमर्स फॉर मैनी ईयर्स, शी हैज़ यूज्ड अ कैश रजिस्टर बिफोर, ही हैज़ वर्कड फॉर दैट कंपनी सिंस मे, वी हैव ऑलरेडी सर्व देयर फूड। इसमें क्या है, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, जैसे ईटन, सीन, डील्ड, यूज, वर्कड, सर्व एक्सेट्रा। और हैज़ हैव कैसे यूज़ किया है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आई, यू और प्लूरल के साथ हैव, और बाकी जो सिंगुलर रहते हैं उसके साथ क्या यूज़ होता हैज़ यूज़ होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसकी नेगेटिव टाइप के बारे में बताने जा रही हूँ। नेगेटिव में क्या होता है कि हम इसमें हैज़ हैव तो वैसे ही यूज़ करते हैं, पर साथ में इसमें क्या आ जाता है, नॉट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में एग्जांपल्स दी हुई हैं, आई, यू, इसके साथ हमने और प्लूरल के साथ क्या यूज़ किया हुआ है, हैव, और जो सिंगुलर है ही, शी, इट, इसके साथ हैज़, और साथ में क्या ऐड किया है, नॉट ऐड किया हुआ है। और फॉर्म मेन वर्ब है जो वो थर्ड, जैसे प्लेड, वॉक्ड, सैट, डन एक्सेट्रा, ये हमने यूज़ किए हैं। ये कुछ मैंने आपको नेगेटिव की एग्जाम्पल दी हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इंटेरोगेटिव मींस क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। उसमें क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ है, वो क्या है, फ्रंट में आ जाती है सेंटेंस में, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब मींस थर्ड फॉर्म आ जाती है मेन वर्ब की, और नेक्स्ट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दी हुई हैं, हैव दे गोन टू स्कूल, हैव दे बॉट अ न्यू कार, हैव आई स्टार्टेड अ जॉब, हैज़ इट रेन्ड, हैव द गेस्ट अराइव्ड, हैज़ जोहन लेफ्ट फॉर होम, हैव यू टोल्ड अ लाई। और जो हैज़ हैव यूज़ करने का है वो वही है कि प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं। ये हमारे हो जाते हैं क्वेश्चंस वाले। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।